दोस्तों सवाल जवाब के छठे वीडियो में हम पहुंच चुके हैं और इस श्रृंखला का आखिरी वीडियो कल मैं आप सभी के लिए लेकर आने का प्रयास करूंगा तो आज के इस वीडियो के पश्चात भी यदि आपके मन में आयुर्वेद के विषय में या फिर किसी रोग विशेष के विषय विशे में कोई भी सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा मैं अधिक से अधिक आपके सवालों के जवाब कल के हमारे वीडियो में देने का प्रयास करूंगा और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार एक छोटी सी बात फिर से याद दिला देना चाहूंगा अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ना पसंद आए डिसलाइक कीजिएगा परंतु अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे ताकि यूट्यूब अधिक से अधिक इस वीडियो को रिकमेंड करे और अधिक से अधिक लोगों तक तो हमारा वीडियो पहुंच पाए तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों पहला सवाल है इन्होंने पूछा है मसल्स बिल्डिंग के लिए कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है तो दोस्तों सर्वाधिक लाभकारी औषधियां जो विशेष तौर पर आपकी मसल्स पावर को बढ़ाने का कार्य करती है जो आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि करने का कार्य करती है वो है अश्वगंधा गोखरू सालम पंजा और सफेद मूसली वही रस औषधियों की बात करें तो बसंत कुशमा का रस मुझे इस प्रकार की समस्या के लिए या इस प्रकार की इच्छा के लिए काफी लाभदायक नजर आती है क्योंकि ना केवल आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि करने का कार्य करती है बल्कि शरीर के हर महत्वपूर्ण अंग को या बल प्रदान करने का कार्य करती है शरीर में रक्त संचरण को या सुधारने का कार्य करती है जिसका सीधा सीधा असर जिसका सीधा सीधा प्रभाव शरीर के हर महत्वपूर्ण अंग पर सकारात्मक रूप से पड़ता है हालांकि बसंत का रस का प्रयोग करने से पूर्व आपको चिकित्सक आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श निश्चय ही लेना चाहिए अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर इन्होंने कहा है धात की समस्या बहुत ही पुरानी है सब कुछ प्रयोग कर चुका हूं किसी से भी कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा और बहुत ही अधिक कमजोरी बनी रहती है क्या किया जाए देखिए दोस्तों अगर कोई समस्या से बहुत लंबे समय से पीड़ित है तो मेरी नजर में उसे दो कार्य मुख्य रूप से प्रमुख रूप से अवश्य ही करने चाहिए पहला अपने रोग का वास्तविक कारण पता लगाने का प्रयास करें और दूसरा जो मुझे लगता है वो है पंचकर्म एक बार पंचकर्म की सहायता से अपने शारीरिक अशुद्धियों से मुक्ति प्राप्त कर आप आवश्यक औषधियों का प्रयोग प्रारंभ करें ताकि जो औषधियां आपको लाभ प्रदान नहीं कर पा रही है या फिर जिनका लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है वो आपको लाभ प्रदान करना प्रारंभ कर दे चलिए कुछ आसान घरेलू नुस्खे मैं इस समस्या के लिए बता देता हूं जो धात की समस्या में काफी लाभकारी परिणाम दर्शाते हैं पहला आसान नुस्खा है गुड़हल के फूल जी हाँ गुड़हल के फूल आपको दो या तीन लेने हैं अच्छी प्रकार से पानी से धोकर इन्हें चबा चबा कर सुबह खाली पेट खा लीजिए और ऊपर से चाहे तो आप पानी पी लीजिए और फिर शहद को चाट लीजिए अगर खाने में दिक्कत आई इस प्रकार तो आप गुड़हल के फूलों का गुलकंद बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं काफी लाभदायक परिणाम ये प्रदान करता है गुड़हल के ऊपर एक विस्तृत वीडियो मैं सोमवार को आप सभी के लिए लेकर आऊंगा अगर आप अधिक जानकारी इस विषय में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा चलिए बात कर लेते हैं अगले नुस्खे की जो धात की समस्या में प्रयोग किया जाता है वो है कच्चे केले का चूर्ण तकरीबन एक से दो ग्राम की मात्रा में और इससे चार गुना की मात्रा में इस सब गोल की भूसी और इससे दो गुना की मात्रा अर्थात ई सब गोल से दो गुना की मात्रा में पिसी हुई मिश्री इन तीनों को मिलाकर आधा गिलास से गर्म दूध में पांच मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर पाँच मिनट बाद आप इसे चम्मच से खा लीजिए दस से पंद्रह दिनों में काफी लाभदायक परिणाम यह दिखाना प्रारंभ कर देगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर परंतु उससे पहले एक छोटी सी बात मैं और आप सभी से बता देना चाहूंगा दोस्तों मैं छाती से संबंधित या फिर खासी जुकाम बुखार से संबंधित समस्याओं का इलाज नहीं करता हूं ना ही इनसे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी औषधि किसी को बताता हूं साथ ही साथ मधुमेह और बीपी को नियंत्रित करने वाली औषधियां भी मैं किसी को नहीं बताता हूं उससे संबंधित मैं किसी भी प्रकार का परामर्श नहीं देता हूं ध्यान से सुनिए मधुमेह को नियंत्रित करने वाली बीपी को नियंत्रित करने वाली औषधियान नहीं बताता हूं हालांकि मधुमेह या अन्य किसी रोग के चलते उत्पन्न जो उसके दुष्प्रभाव है जो शरीर पर उत्पन्न हुए हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हें ठीक करने के लिए मैं चिकित्सा अवश्य करता हूँ अब आते अगले सवाल के ऊपर इन्होंने कहा है कि क्या ब्रह्म रसायन दिमाग के लिए अच्छा है मेमोरी के लिए अच्छा है जी हाँ अच्छी दवा है परंतु ध्यान रखें ब्रह्म रसायन काफी भारी औषधि है मतलब हजम करने में काफी भारी होती है तो खराब पाचन तंत्र से पीड़ित लोग इसका प्रयोग ना करें अन्यथा काफी पौष्टिक और सुंदर परिणाम दिखाने वाली यह औषधि है अगला सवाल है इन्होंने पूछा है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए कौन सी औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए मैं जिन औषधियों का प्रयोग करने की अपने रोगियों को सलाह देता हूं वो है अश्वगंधा सिलाजीत बसंत कुमाकर रस और अगर कोई नॉन वेज वगैरह का भी प्रयोग करता है तो जोहर खसिया का भी मैं प्रयोग करवाता हूं और अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी के चलते काम इच्छा में भी कमी उत्पन्न हो गई है तो गोखरू का भी प्रयोग मैं आमतौर पर करवाता हूं अब आते अगले सवाल के ऊपर इन्होंने पूछा है स्वर्ण प्रासन क्रिया के बारे में बताइए तो दोस्तों स्वर्ण प्राशन का वर्णन सर्वप्रथम काश्यप संहिता में आचार्य काश्यप जी ने किया था इसमें बच्चे के जन्म के पश्चात अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ कर स्वर्ण भस्म को शहद में मिलाकर चटाने का निर्देश दिया गया है इसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है जिस बच्चे को एक माह तक स्वर्ण प्राशन अगर करवाया जाए तो वह अत्यंत ही बुद्धिमान बन जाता है और अगर छह माह तक लगातार स्वर्ण प्राशन करवाया जाए तो बच्चा श्रुति धरा था किसी भी बात को केवल सुनकर मस्तिष्क में धारण करने वाला बन जाता है कुल मिलाकर आप स्वर्ण प्राशन को उस समय के वैक्सीनेशन से संबंध कर सकते हैं परंतु तो यहां हमें एक बात विशेष तौर पर आपको कह देना चाहूंगा ध्यान रखे बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लिए स्वयं से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की इन्होंने कहा है मुझे कंफ्यूजन है कि पहले के समय में जब अंग्रेजी दवाइयां नहीं होती थी और आयुर्वेद से ही मरीजों का इलाज होता था तो ऐसी कौन सी दवाइयां बनाकर तैयार करते थे जिनका रिजल्ट तुरंत ही देखने को मिल जाता था या फिर मरीज ठीक हो जाते थे जबकि आज के समय में बीमारियों को ठीक होने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से काफी समय लगता है ऐसा क्यों है तो दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बताइए तुरंत का मतलब आखिर क्या होता है क्या एक घंटा तुरंत है या एक मिनट तुरंत है या एक सेकंड तुरंत है या फिर एक नैनो सेकंड तुरंत है मैं ये बात इसलिए आप सभी से पूछ रहा हूं अगर आप एक घंटे को एक दिन के साथ तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे तो आपको एक घंटा तुरंत में नजर आएगा जबकि एक घंटे को एक मिनट के साथ कंपेयर करेंगे तो एक मिनट तुरंत नजर आएगा इसी प्रकार पहले के समय में जब अंग्रेजी औषधियां नहीं होती थी तो तुलनात्मक तौर पर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होता था इसी कारण मरीज भी धैर्य के साथ औषधि का प्रयोग करते थे और वैद्य की सलाह को अच्छी प्रकार से मानते थे ये बहुत महत्वपूर्ण है वहीं औषधियां पहले जिस गति से परिणाम प्रदान करती थी उसी गति से आज भी प्रदान कर रही है परंतु आज तुलनात्मक तौर पर आज हमारे पास कम समय लेने वाले और भी विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए हमें आयुर्वेदिक औषधियाँ धीरे कार्य करती हुई नजर आती है एक छोटी सी बात थी केवल समझने का नजरिया है अगला सवाल है इन्होंने पूछा है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कितनी उम्र के बाद प्रारंभ होती है तो देखिए आमतौर पर 50 से अधिक उम्र के लोगों में पुरुषों में यह समस्या देखने को मिलती है परंतु कई बार विभिन्न कारणों के चलते यह समस्या कम उम्र में भी उत्पन्न हो सकती है अगला सवाल है इन्होंने पूछा है स्वप्न दोष के चलते बहुत अधिक शारीरिक दुर्बलता आ गई है कुछ ऐसे ही और भी सवाल मुझे प्राप्त हुए हैं जो कहते हैं धात रोग के चलते या फिर अन्य कारणों के चलते शरीर में बहुत अधिक कमजोरी आ गई है दुर्बलता आ गई है क्या किया जाए तो देखिए मैं पहले भी आपको बहुत से उपाय बता चुका हूं अब मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं वो जो नुस्खे बताने वाला हूं वो केवल शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए हैं, परंतु उससे पूर्व आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा जिस रोग के चलते वह समस्या उत्पन्न हुई है उस रोग से आपको छुटकारा प्राप्त करना होगा तत्पश्चात आप इस नुस्खे का या फिर चिकित्सा के साथ ही आप इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं इस नुस्खे के लिए आपको आवश्यकता होगी अश्वगंधा तीन ग्राम सतावर तीन ग्राम और मिश्री छह ग्राम इन तीनों को मिलाकर सुबह शाम भोजन के पश्चात प्रयोग कर कीजिए और इस नुस्खे के साथ ही आप एक और नुस्खा प्रयोग कीजिए वो है सफेद प्याज का रस दो चम्मच की मात्रा में एक चम्मच की मात्रा में अदरक का रस और दो चम्मच शहद और आधा चम्मच घी इसे मिलाकर आप सुबह शाम भोजन के पश्चात चाट लीजिए इन दोनों नुस्खों का लगातार प्रयोग किसी भी कारण के चलते उत्पन्न कमजोरी को दूर करने के लिए पर्याप्त रहता है ध्यान से सुनिए कमजोरी को दूर करने के लिए पर्याप्त रहता है रोग हेतु आपको अन्य आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है अगला सवाल है इन्होंने पूछा है मल में आने की शिकायत है था? साथ ही साथ कच्चा मल निष्कासित होता है तो देखिए ऐसी अवस्था में बेलगिरी का चूर्ण प्रयोग करना बहुत ही अधिक लाभदायक रहता है अगर आप चाहें तो बिलवासों का भी प्रयोग कर सकते हैं दोनों ही लाभदायक परिणाम दर्शाती है इस प्रकार की अवस्था में हालांकि अगर इन्फेक्शन आदि अधिक है तो कुछ समय के लिए आप अंग्रेजी दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं या उसकी आवश्यकता पड़ सकती है ताकि एक बार स्थिति को थोड़ा नियंत्रित कर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रारंभ की जा सके आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार